चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। बस कुछ ना बोलना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कैसे पहचान गया? आपकी मेरी तो कभी बात भी नहीं हुई। अरे बातचीत भी हो जाएगी, मैं तो सारा दिन फारिग रहता हूँ, घंटों बातें हो सकती हैं। मगर मैं आपसे घंटों बात करूंगी क्यों? अरे परेशान मत हो आप, मैं कॉल करूंगा ना, आपका बैलेंस खत्म नहीं होगा। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। भाई मेरा नाम महमूद है और आपका? मैं नीलम हूँ। जान पहचान तो हो गई। चले अब जल्दी से अपना ना नंबर निकाले। आप फजूल बातें बंद करें, मुझे अंदर जाने दें। अरे भाई घर में बात नहीं कर सकते ना हम, ऐसा करते हैं शाम में ना पार्क में मिलते हैं। दिमाग तो ठीक है आपका? हाँ, दिमाग दिल फेफड़े गुर्दे सब कुछ ठीक है भाई। मुझे तुम्हारी ये केयरिंग नेचर जो है ना, ये बहुत अच्छी लगी है। केयरिंग नेचर माय फुट, कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, फ्री होते जा रहे अंकल आप। अंकल? हाँ अंकल, हटिए सामने से, मुझे अंदर जाने दे, ये मेरा घर है। इसका भी घर है? अच्छा। अरे अजी भीड़ के सामने लोगो, चलो एक उठो, खड़े हो जाओ, चलो। क्या मतलब? ओए अभी तो एपिसोड शुरू हुआ है पुत्र। एपिसोड शुरू ही करना है आंटी, चले उठे सामान बांधे अपना। ना मैं तेरा सामान क्यों बांधूंगी भाई? मेरा नहीं, तुम सब अपना सामान बांधो और एक घंटे में मेरा घर खाली करो। अरे तुम हो कौन भाई? हम यहाँ किराएदार हैं, हम क्यों घर खाली करें? क्योंकि अब यहाँ मैं रहूंगी। सच? बड़ा मजा आएगा आपके साथ रहने में नबील। अच्छा मेरा मतलब है कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं किसी के साथ यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं और इंस्पेक्टर मुश्ताक यहाँ पर रहेंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब तेरे अब्बा जी हैं? वो मेरे शौहर हैं और मैं उनकी प्यारी लाडली बीवी। चलो अब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारी करो। ठीक है चलो। उधर रखनी है तशरीफ आपने। जल्दी से ना आप पैकिंग करने सारी चीजों की। कोई जरूरत नहीं है सामान पैक करने की। क्यों? तू मुझे नए घर में नए कपड़े लेके देगी प्रवीण? खूबसूरत? अच्छा मुझे खूबसूरत कपड़े लेके देगी शगुफ्ता? हाय कितनी अच्छी हो गई है तू। मैं किसी को कुछ लेकर नहीं दे रही, हम सब यहीं रहेंगे। अरे पर हम सब एक बेडरूम में कैसे रह सकते हैं भाई? मेरा ख्याल है मैं उस दोशीजा से बात करता हूँ, हो सकता है वो हमें लाउंज में या किचन में रहने की इजाजत दे दे। मैं पलंग पे मैं सोऊंगी तो ये कनीजा जो है ना नीचे गद्दा डाल लेगी बस। ओहो क्या हो गया आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब है कि हम इसी घर में रहेंगे। नबील तुम जरा प्लीज इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन करो। हां ओके जानू, लगाओ लगाओ। मिला अब जानू, इंस्पेक्टर मुश्ताक का फोन नहीं मिल रहा ना, तो तू उसका फोन क्यों ढूंढ रहा है? वो पुलिस वाला है, खुद ही ढूंढ लेगा। ओ माँ जी फोन लग नहीं रहा यार। अरे रुको रुको एक मिनट, मेरे मोबाइल में ना उसके घर का नंबर फीड है, मैं घर पे मिलाता हूँ। हाँ, हेलो कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर मुश्ताक घर पर है, मैं उनका किराएदार बोल रहा हूँ महमूद। नहीं वो घर पर नहीं है, क्या काम है आपको? अच्छा साहब घर पर नहीं है, फिर एक काम करो जैसे ही साहब घर आ जाए ना उन्हें यहाँ हमारी तरफ भेज देना, कहना कि उनकी बीवी यहाँ हमारी तरफ आई हुई है और वो हमसे ये कह रही है कि भाई घर खाली करो निकलो यहाँ से। अरे भाई हम किराया देते हैं, हम कोई मुफ्त में थोड़ा रह रहे हैं यहाँ पे। इंस्पेक्टर मुश्ताक को फौरन भेजो कि यहाँ आके उससे बात करें। अरे भाई बीवी होगी तो अपने घर पे होगी यार। कौन बीवी? कैसी बीवी? अरे उनकी बीवी तो मैं हूँ। हाँ मैं हूँ मुश्ताक की बीवी इंस्पेक्टर नसीम और मैं अभी आ रही हूँ। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी तो यहाँ आ रही है, इंस्पेक्टर नसीम। तो ये जो बाहर बैठी है वो कौन है? पता नहीं, चलो चल के पूछते हैं ये कौन है भाई। इसी से पूछ लो, आ जाओ चले चले। ये क्या तुम लोगों ने अपना सामान पैक किया अभी तक? सच सच बताएं पहले आप हमें कि आप हैं कौन? मैं नीलम हूँ इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी। उसकी बीवी तो उसके घर पे बैठी हुई है, अभी मुस्तकीम की बात हुई है उससे। उसके घर पर उसकी पहली बीवी रहती है, मैं उसकी दूसरी बीवी। वशी। पता नहीं भाई हमारे नसीब कब खुलेंगे। नसीब का तो मुझे पता नहीं मगर सिर्फ
धक्के से मैंने आपका सर खोल देना है। इंस्पेक्टर मुश्ताक की कॉल आ रही है। हेलो इंस्पेक्टर मुश्ताक। हेलो जी, क्या हाल है? और खूबसूरत जी कैसी है? पहले जैसी खूबसूरत है या और खूबसूरत हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, आप ना अपनी बीवियों की फिक्र करें। आपकी दूसरी बीवी जो नीलम है ना, वो यहाँ बैठी हुई है हमारे पास और घर खाली करवा रही है हमसे। वो वहाँ क्या कर रही है? ये परेशानी की बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, परेशानी की बात ये है कि आपके फोन ना उठाने पर हमने आपके घर पे फोन किया था और वो फोन आपकी पहली बीवी ने उठा लिया था और उन्हें यानी आपकी पहली बीवी को आपकी दूसरी बीवी के बारे में पता चल गया और वो यहाँ तशरीफ ला गया। क्या नसीम को भी बता दिया तुम लोगों ने? नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब, नसीम भाई को नहीं बताया, गलती से हमने आपकी पहली बीवी को बता दिया। अबे उसी का नाम नसीम है। तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। अबे तुम लोग जानते नहीं हो कि वो कितनी खतरनाक औरत है। मैं अभी आ रहा हूँ नीलम को लेने के लिए और नसीम को तुम भुगतना, समझे? इंस्पेक्टर मुश्ताक आ रहे हैं इनको लेने के लिए। आ रहे हैं तो आए, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी के फौरन बाद ये घर मेरे नाम पर कर देंगे। शादी के पूरे 6 महीने हो गए, उन्होंने आज तक अपना ये वादा पूरा नहीं किया। हर किसी को मुझ जैसा अच्छा शाह नसीब थोड़ा ही होता है। Shut up, नबील। Okay, जानो। जब तक मुश्ताक आ रहे हैं, आप लोग मुझसे चाय ठंडी का पूछ सकते हैं। ना तो पहले ये बता कि चाय अच्छी बनाती है या ठंडा। जग्गू, नहीं, ओए, तू फिर से देर से आए दूध देने। मैं दूध देने नहीं आया। क्यों? तेरी भैंस फिर भाग गई? ओए, मेरे पास तो भैंस है ही नहीं। उठो, तो तू हमें बकरी का दूध देता था। हाँ। अरे मेरे पास ना भैंस है ना बकरी है। ना तो फिर तू हमें दूध किस चीज का देता है बच्चू? ओ, मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? तू जिसका मर्जी यूनिफॉर्म पहन, लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाना, तूने समझे? ओ, मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी बीवी कहाँ है। हमें क्या पता भी तेरी बीवी कहाँ है? नबील तो कह रहा था कि मेरी बीवी यहाँ आई हुई है। यहाँ तो शमीम आई हुई है। ओ माँ जी, मुझे अंदर जाना है, आप पीछे आते। अरे अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। चलो, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? देखो, इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से नसीम को हम पे शक हो गया है, वो यहाँ पे आती होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले ये घर तो मेरे नाम पर करो। वो कर दूंगा तुम्हारे नाम, घर भी कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। तुम्हें नहीं पता कि नसीम हम दोनों को कच्चा खा जाएगी? आप इतना डरते अपनी पहली बीवी से? और तुम लोग चुप करो, तुम लोग नसीम को जानते नहीं हो। बड़ी बेरहम है, पुलिस में है वो, पुलिस में। अरे बड़े बड़े मुजरमों को मार मार के वो सच गुलवाती है। तुम लोग किस खेत की मूली हो? मूली नहीं, मैं बैंगन हूँ। और ये जो मसरूद है, ये बड़े मुंह वाले कद्दू है। और ये सुखी पतली, ये जो शकीला है ना, ये भिंडी है। ओ मां जी, खुदा का वास्ता सब्जी मंडी बंद करें यार। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको लेके जाएं और अपने घर का मामला जो है ना, वो प्यारों मोहब्बत से हल करें यार। हाँ, भाई हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। ओए, मुसीबत को तो तुम लोगों ने खुद फोन करके बुलाया है। ओए नसीम आ गई है, दरवाजा मत खोलना, वो मुझे जान से मार देगी और मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। गोली नहीं, जब वो तुझे जान से मार देगी तो तू हम सबको गोली कैसे मारेगा बच्चू? ओए, मैं तुम सबको मंशियात के केस में ऐसा लंबा अंदर करवाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल काटोगे तुम लोग। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे कि ये आपकी दूसरी बीवी है। वो कैसे? हम उन्हें कहेंगे कि ये आपकी नहीं, किसी दूसरे मुश्ताक की बीवी है। भाई दूसरा मुश्ताक कौन? लो जी, हालात और एज के मुताबिक जो है ना, वो नया मुश्ताक जो है ना, वो मैं ही बनता हूँ। क्या मतलब है नबील? जानू, हालात को समझो जानू, जान पे बनी हुई है यार, एक्टिंग कर रहा हूँ एक्टिंग। तू तो जमील है। अरे ये नबील है मोमो। पर अब नीलम का शौहर मुश्ताक मैं हूँ, महमूद साहब। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई, मेरा प्लान तो सुन लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
हुई शादी करने की। जी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी की बच्ची, शर्म नहीं आती किसी का घर तोड़ते हुए? देखिए हमने आपके घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं की, आप चाहे तो अंदर आके देख लें। तूने नसीम के घर पर नजर डाली, तुझे तो मैं यही ढेर कर दूंगी चुड़ैल। आप गलत समझ रही हैं, मैं खूबसूरत हूँ। तू जितनी भी खूबसूरत हो जाए पहली बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए मेरा नाम खूबसूरत है, मैं नबील की बीवी हूँ। तो फिर मुश्ताक की बीवी कहाँ है? चलो हटो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा तो तुम भी यही हो, अच्छी बात है, अब तुम दोनों को साथ में गोली मारूंगी। अरे बेगम मैं तो यहाँ किराया लेने के लिए आया था, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा और तुम्हारी इस दूसरी बीवी का जनाजा निकालने के लिए आई हूँ मैं। अरे दूसरी बीवी? तुम्हारे होते हुए मैं तो दूसरी बीवी का सोच भी नहीं सकता। चल झूठे। नहीं नहीं झूठा नहीं है, आप जरा गौर से देखे ना कितना प्यार दिखाई दे रहा है इनकी आंखों में। अच्छा तो तुम लोगों ने फोन करके मुझे ये क्यों कहा था कि मुश्ताक की बीवी यहाँ है? हेलो हेलो जी, माइक टेस्टिंग, मायसेल्फ जी मुश्ताक फ्रॉम शिकारपुर, और ये मेरी प्यारी बीवी है, मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गई और मैं इसे मनाने के लिए यहाँ आ गया। नई नई शादी हुई है ना जी, बार बार रूठ जाती है। हाँ हमने ना मुश्ताक को फोन करने के लिए कहा था, गलती से आपको कर दिया। चलो नीलो जान हम दोनों जाके ना कमरे में थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं हुए? क्यों नहीं जाने दो दोनों को। थैंक यू नसीम अपा। बात सुन फरजाना, को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी बच्चू। ये फरजाना कौन है? इशफाक की बीवी। अब ये अशफाक की बीवी को मुश्ताक से क्या मतलब है? बेगम हम घर चलते हैं ना, मुझे देर हो रही है। नहीं अभी हम चाय ठंडा पियेंगे इस मुश्ताक की बीवी के साथ बाहर बैठ के। फिर हाथ सुटो, अब तो इसे पता लग ही जाना है। ओए ओए क्या पता चल जाना है? नहीं 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 कुछ नहीं, आप लोग बाहर चल के बैठे, हम चाय बिछवाते हैं। चलो चलो आओ चाय बनाओ। चलें चलें भाई चाय बनाओ खूबसूरत। चलो बेगम घर चलते हैं, मुझे तो लगता है कि इनके घर में चीनी के साथ साथ पत्ती भी खत्म हो गई है। चलो तुम लोगों की लव मैरिज हुई थी, अरेंज। अरेंज क्या? एक्चुअली दरअसल मेरी तरफ से लव और इसकी तरफ से अरेंज। अच्छा तो फिर पहली बार कहाँ मिले थे? कैफे। वो पार्क में कैफे था, हम वहाँ मिले थे। मुझे तो आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपनी नीलो को देखा था, तो मुझे तो देखते ही मोहब्बत हो गई थी। जानू तुम भी बताओ ना कि तुम मेरे लिए कितनी दीवानी थी। मैं? हाँ बताओ बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है, बताओ 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 बताओ। मैं मुश्ताक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सुन लिया, वो कितना प्यार करती है अपने शौहर से। अब चले घर। डोंट बी जेलस। मुश्ताक तुम्हारे लिए फोन आया। मेरे लिए किसका फोन आ गया? मैं इस मुश्ताक की बात कर रही हूँ, तुम्हारे लिए फोन आया शिकारपुर से। ओके ओके, शिकारपुर से मैं अभी आया, मैंने एक्चुअली किसी को अचार का बोल रहा हुआ था, शिकारपुर का अचार बड़ा अच्छा होता है ना। आइए 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 आइए, सुन के आइए। क्या देख रहा है उसको? अरे मैं कुछ नहीं, उस दरवाजे को देख रहा था जाने के लिए। और क्या? नीचे देखो। जानू जानू अब बता भी दो भाई किसकी कॉल थी? किसी का फोन नहीं आया। जानू ये क्या बदतमीजी है, मैं वहाँ नीलो जान को अकेला छोड़ के आया। तुम भूल रहे हो कि वो इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी है। लेकिन मैं तो उसे दिल से अपनी बीवी समझ रहा हूँ ना। मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो नबील। कैसी बातें कर रही हो जानू, मैं तो सिर्फ कैरेक्टर में रह रहा हूँ यार, अगर दिल से नहीं करूंगा तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है नबील। थोड़ी देर के लिए अगर एक गरीब आदमी का दिल खुश हो रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है जानू? नबील। हाँ जानू, आप देखो ना वो झूठ मूठ में भी कैसी अच्छी बीवी बनी है, और तुम सचमुच में भी बीवी नहीं बन पा रही। हमारे सीन देख के ना सारे पता क्या कहते हैं, नबील का अपनी सौतेली बहन के साथ सीन चल रहा है। शट अप नबील। ओके जानू मैं जा रहा हूँ नीलो जान के पास, अकेली होगी, इंस्पेक्टर छिड़े ना उसे। अरे मेरा दिल बड़ा नाजुक है यार। हाँ पता है बड़ा नाजुक है,
जब ही तो इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। क्या मतलब है? आप बाहर क्यों झांक रहे हैं ये बताएं। अरे भाई नबील की घटिया सी एक्टिंग देख रहा हूँ। अरे उससे अच्छा मुश्ताक तो मैं बन जाता और फिर मेरी और नीलम की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। अरे भाई मैं कोई नबील की तरह चिपकू थोड़ा बन जाता। अरे वो देखो तो सही, नीलम के पाँव में पड़ा हुआ है यार। अरे ऐसे होते हैं कोई शौहर, नबील को शौहर बनना आता ही नहीं है। अरे क्या यार, तुम लोगों को ना मुझे नीलम का शौहर बनाना चाहिए था। ना ना ना, आप सिर्फ मरीना के शौहर हैं। मरीना खान? ना ना ना, मरीना बीबी। ये कौन है भाई? दुनिया की सबसे हसीन औरत। कौन कौन, जल्दी बताओ ना वो। मैं मनवर और कौन? देखो नसीम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लोग भी चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, इसलिए वो अपने अपने कमरों में बंद हो गए। तुम अब कब तक यहाँ पे ठहरेंगे? चलते हैं ना। इस घर के मालिक हैं हम, यहाँ जब तक दिल चाहे रह सकते हैं। अरे भाई क्यों शरीफ लोगों को परेशान कर रही हो, चलो ना घर। मुझे ना इन दोनों पे अभी भी शक है, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अबे क्या छुपाएंगे यार, सीधे साधे लोग हैं, तुम बिना वजह शक कर रही हो। जब तक मुझे पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती ना, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। ओके ठीक है, तुम यहाँ खड़ी रहो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। चुपचाप यहाँ खड़े रहो। मैं जो सोच रही हूँ ना, अगर वो सच हुआ मुश्ताक, तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी गोली मारूंगी। अरे बेगम उल्टा मत सोचो, तुमने देखा नहीं वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं? नहीं, वो मुश्ताक ही पीछा जा रहा था अपनी बीवी के आगे, वो तो उसे मुंह तक नहीं लगा रही थी। अरे बीवियां ऐसी ही बेहिस और जालिम होती हैं। अब अपनी मिसाल ले लो तुम। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, कर लो अपनी तसल्ली, तुम जो करना करो भाई। नीलो जान, तुम मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, तुम मुझे अपना शौहर समझ ही नहीं रही हो। देखो अगर नसीम आपा को शक हो गया तो वो गोली मार देंगी, हम सब की जानों का मसला है। कुछ तो प्यार से बात करो मुझसे। मगर मुझे तुम पे प्यार नहीं आ रहा। नहीं, उस मुश्ताक से तो 1000 times बेहतर हूँ। मुझे देख कर ना लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं। डर के मारे निकलती होंगी चीखें। लो देखो, तुम सचमुच की बीवियों वाली बातें मत करो। तो फिर कैसी बातें करूं? देखो हमें नसीम आपा को सचमुच में कायल करना है, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम दोनों पागल हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं पागल नहीं हूं। देखो अगर नसीम आपा ने हमारा झूठ पकड़ लिया ना, तो हमें तो गोली मारेगी मारेगी, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हें गोली मारेगी। क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो? अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए यकीन दिलाने के लिए? मेरा ख्याल है एक गाना करते हैं। डांस की वो जगह है, आओ वहां चलते हैं। आओ आओ आओ, बैग ले लो, अपना बैग ले लो। आज आज सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। अरे अरे आ जाओ भाई। तुमने देखा उन दोनों ने कैसे एक दूसरे का हाथ प्यार से पकड़ा हुआ था? हाँ हाँ देख लिया मैंने, अब और भी कुछ देखना बाकी है। हो गई ना तुम्हारी तसल्ली? हाँ हो गई तसल्ली मुशी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। ठीक है आप चले घर। लेकिन पहले एक वादा करो। अब कौन सा वादा? वो ये कि अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह पर ये घर तुम मेरे नाम कर दोगे। तुम्हें भी यही घर चाहिए? क्या मतलब, किसी और को भी चाहिए क्या? नहीं, किसी और को नहीं चाहिए, कर दूंगा मैं ये घर तुम्हारे नाम, अब खुश हो ना? एक बात और, तुम भी उस नीलम वाले मुश्ताक की जितना मुझे प्यार करना, वादा करो मुशी। करूंगा, आप घर चले ना। आजू 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 यार, एक मिनट मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेके आ रहा हूँ, अंदर भूल गया हूँ। जल्दी आओ। लो भाई, हमने नसीम आपा को यकीन दिला दिया कि हम लोग मियाँ बीवी हैं और हम में बहुत प्यार है। अरे ऐसा तुमने क्या किया है जो उसको यकीन हो गया? अस्तग़फ़िरुल्लाह। महमूद साहब,
अपने बड़े से मुंह पर लगाम लगाए आप। भाई बाप दादा परदादा पे बेशक चले जाना, मगर मेरे मुंह पर मर जाना नबील। हाँ पुत्र, जरा तमीज से, तेरा चाचा है ना? अरे चाचा नहीं, मैं इसका बाप हूँ बाप। अच्छा तो फिर वो लंबी लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत सा किसका बाप है जमाल? महमूद। अच्छा वो महमूद का बाप है। क्या वो चली गई? हाँ हाँ, उसको लेकर मैं जा रहा हूँ। तुम भी 10 मिनट बाद यहाँ से निकल पड़ना और कल मिलकर हम बात करते हैं, ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? यार कैसी मैंने एक्टिंग की जानू, ऐसी मैंने एक्टिंग की है। महमूद साहब एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे लगने लगा था कि मैं नीलम का शौहर ही हूँ। भाई ये वक्त मेरे पे भी बहुत दफा आया है। तो इससे तो मैं बाद में निपटूंगा बच्चू। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तेरा मेरा हिसाब अभी बाकी है, अभी मुझे जाना है, समझे? मगर मैं आपसे नाराज हूँ, आपने अभी तक ये घर मेरे नाम पर नहीं किया। आपने दूसरी शादी करते वक्त शुरू में ही कहा था कि आप ये घर मेरे नाम पे कर देंगे। अरे हाँ भाई, ये घर भी तेरे नाम कर दूंगा, बल्कि सब कुछ कर दूंगा। एक बार उस चुड़ैल को मैं घर ले जाऊँ। अच्छा, मैं चुड़ैल और ये नीलो तुम्हारी दूसरी बीवी, ये घर इसके नाम करोगे? हाँ, और तुम सब मिलके इन दोनों का साथ दे रहे थे, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो गया, चलो चलो। चल गया रे, चल इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते।